नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां सरकारी राशन की हो रही कालाबाजारी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चावल की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का सरगना व्यापारी और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन अंचल सहित 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, तो वहीं व्यापारी नेता के पकड़े जाने से कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया है। ललितपुर से वेद प्रकाश लिटोरिया की रिपोर्ट। ये जो एक संगठित गिरोह के रूप में जो सरकारी योजनाओं में जैसे PDS है, MDM है, उसमें जो चावल इस्तेमाल होता है जो कि रियायती दरों पे लोगों को मिलता है, उसको जो है एक गिरोह के रूप में कुछ लोगों के द्वारा जो है जो उस चावल को की कालाबाजारी जो है वो लंबे समय से कर रहे थे, उसमें पूरे गिरोह को जो है वो पकड़ा गया है। और अभी इनका जो अभी मुकदमा भी इसमें लिखा गया था, जिसमें लगभग 357 क्विंटल जो है चावल बरामद हुआ था, उसी की भी विवेचना में ये पता चला था कि इसके में जो है इनके द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में और ललितपुर के जो हमारा जिला है यहाँ पे अलग अलग सेट बना करके वहाँ पे इनके द्वारा चावल जो है वो इकट्ठा किया जाता था, और उसको इकट्ठा करके जो फर्जी तरीके से बिल तैयार करके इनके द्वारा उसको अलग अलग राज्यों में ले जा करके उसको बेचा जाता था, और उससे बड़े मात्रा में मुनाफा जो है वो ये लोग कमा रहे थे। उसी में पूरे गिरोह के सरगना और जो भी उनके साथी हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम सार्थक और तीसरे का जितेंद्र। इन 3 को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके इनको इसमें आगे की कार्रवाई जो है। अब खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां पर एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव महिया कमलपुर में सड़क न होने की वजह से बीमार किशोरी ने तड़प तड़प कर तोड़ दिया। गांव में कच्चा रास्ता होने की वजह से किशोरी को समय पर अस्पताल लेकर परिवार के लोग नहीं पहुंच पाए और किशोरी ने अपनी जान गंवा दी। आजादी के दशकों बाद भी गांव में अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। हालांकि ग्रामीण कई बार सड़क बनवाने के जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों से मांग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज एक किशोरी ने दम तोड़ दिया। ऐसे कितने लोगों ने गाँव में सड़क न होने की वजह से दम तोड़ चुके होंगे, आखिर इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ये सुबह 5 बजे बीमार हुई है जी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी और आंखों से उजलता आ रही थी, तो गांव में थोड़ा प्रयास किया, इसके बाद निकलने का भी प्रयास किया, तो गांव में चारों ओर से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, हर जगह कच्चा है, घुटनों से घुस के जाना पड़ता है। ट्रैक्टर भी खोजा गया, ट्रैक्टर भी नहीं मिला। मजबूरन लड़की को 8-9 बज गया, उसके बाद ट्रैक्टर लाया गया, तब बच्ची को अस्पताल तक लाए, जो कि यहाँ पर मृत घोषित पाई गई। तो आज अगर हमारे यहाँ रोड होता या निकलने की कोई व्यवस्था होती तो ये बच्ची आज यहाँ पर ऑन स्पॉट ख़त्म न हो पाती। किस गांव के रहने वाले हैं? मैया कमलपुर। अच्छा, पढ़ने जाते हैं? किस कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 8। 8 में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बाबई। बाबई। तो ये जो रास्ता आपके पीछे दिख रहा, पानी भरा हुआ दिख रहा, क्या इसी से होकर जाते हैं क्या? और कैसे निकल पाते होंगे? बड़ी मुश्किल बात है। घुसके निकलते हैं। घुसके निकलना पड़ता है? अरे, कितने लोग जाते हैं आप लोग? 6-7। 6-7 लोग जाते हैं। कहाँ के रहने वाले बेटा? मैया कमलपुर। तो आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बाबई पढ़ने जाते हैं। तो ये रास्ता तो पूरा खराब है, कैसे जाते हैं आप? इसी को पेंट ऊपर करके इसी में घुस के जाते हैं। घुस के जाना पड़ता है। और इधर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। जहां एक ही नाम से 2 अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी होने पर काव्या नर्सिंग होम के असली संचालक दीपक चंदेल ने DM से पूरे मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि चुरखी चौराहा स्थित बेसमेंट में बिना बिजली कनेक्शन, बिना NOC के फर्जी अस्पताल संचालित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में CMO ND शर्मा ने अस्पताल की जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। काव्या हॉस्पिटल का ओनर संचालक हूँ, जिसका ओपनिंग मैंने कल ही की है, जो कि जालौन रोड नलकूप विभाग के जस्ट बगल से है, लेकिन दूसरा काव्या चुरखी बाईपास के आगे कालपी रोड पर क्यों चल रहा है? उसके संचालक
आशीष यादव, ओमकार सिंह ठाकुर, विक्की भैया हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि दो कागजात पे कार्रवाई की जाए। मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है, फायर की एनओसी भी है, एमपीसीसी की भी है, पॉल्यूशन की भी है, बिजली कनेक्शन भी है। और वो कागजात जो दूसरा चल रहा है वहाँ पे बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहा है और बिजली कनेक्शन भी नहीं है, हो सकता रजिस्ट्रेशन भी ना हो। इस पर जाँच कराई जाए और ये निष्पक्ष जाँच हो, पता चले कि दो कागजात में से सही कागजात कौन है और मेरे नाम का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे वहाँ पे कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं, आशीष यादव और ओमकार सिंह ठाकुर होंगे। मैं काव्या हॉस्पिटल का ओनर, जो कि जालौन रोड नलकूप विभाग स्टोर के बगल से है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये मैं अभी दिखवाऊँगा, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, मैं दिखवाता हूँ कहाँ पंजीकरण है कि नहीं है। और एक है, दो है, एक नाम से दो तो नहीं चल सकते किसी भी स्थिति में। और अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और फिर उसमें नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। जो पहले से 3 साल से संचालित हो रहा है, बेसमेंट में चल रहा है, बिना बिजली कनेक्शन के चल रहा, कैसे चल रहा है मुझे जानकारी नहीं। अगर कोई पंजीकृत है पहले से इस नाम का, मैं चेक कराऊंगा रिकॉर्ड में, तो उसको उसके NOC वगैरह होंगे वो भी सब देख लूंगा मैं, क्योंकि जो पंजीकृत किए जाते हैं उनके पास बाकायदा उनका नक्शा और NOC वगैरह सब होती, तभी पंजीकरण होता है। और रिन्यूअल उसका होता है हर साल 30 अप्रैल के बाद, तो उसका पुनर्नवीनीकरण हुआ कि नहीं हुआ ये सब भी मैं दिखवाऊंगा। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, नवीनीकृत हुआ कि नहीं हुआ ये सब चेक कराऊंगा फिर उसके हिसाब से। वहीं जालौन जिले के देवनगर चौराहे पर पेंट से भरा ट्रक अचानक दुकान के सामने पलट गया। नगर पालिका के ओर से रास्ते में डाली गई इंटरलॉकिंग धंसने की वजह ट्रक दुकान के सामने पलट गया। वहीं अचानक ट्रक पलटने से लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि पास में हाई टेंशन लाइन के तार नहीं टूटे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक लेकर आप कहां से कहां जा रहे थे? हम कानपुर जालौन लेके आ रहे थे। क्या माल है इसमें? इसमें पेंट और पुट्टी। पेंट और पुट्टी है। अच्छा, ये ट्रक आपका पलटा है नाले में, कैसे पलटा है, कैसे हादसा? ये हमने साइड में खड़ा कर दिया जी, साइड में खड़ा करके हम पूछने चले गए, भैया जगह से जब फला जगह जाना है मुझे, जगह बता दो। हम वापसी पूछ के आए, धीरे धीरे वो रास्ता चला गया, पलट गया। ट्रक लेकर आप कहां से कहां जा रहे थे? हम कानपुर जालौन लेके आ रहे थे। क्या माल है इसमें? इसमें